इंतजार कर रही थी मैं, तू आवे तो साथ में बैठ के अपन पॉप खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक नहीं गई हूँ, डॉग बोली कि मैं अब जा रही हूँ, तो मेरा बेटा बोला बहुत भूख लग रही मम्मी, तो मेरे को दूध और कैलक्स दे दो ना। तो मैं बोले अरे मैंने तेरे साथ में खाने के लिए पॉप को सब रेडी करके रखी, तो बोले लाओ लाओ लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। तो थोड़ा सा बेटे के साथ खाती और थोड़ा तैयार होती फिर भागती। बताओ बकवास इधर, बकवास अम्मा लग रही। बताओ इधर, दिखाओ चप्पल लू क्या? नहीं लू पहले पहले इधर, देखो पहले आप। नहीं देखने, हर बार अच्छा तेरी जीत थोड़ी चले। इतने अच्छे तो लग रहे आपके बाल, फिर भी ऐसा क्यों बोल रहे? देखो कितनी मस्त चोटी लग रही है। हाँ? है ओहो, चप्पल ग्रीन, मेरे को लगा ग्रीन कलर की पहनेंगे। वो अंदर अभी निकालने कंटाला। कंटाल आपको भी आता है। हेलो उसको मेरी ओढ़नी अच्छे से उड़ाई और सर के नीचे तकिया रखी और सारे यहाँ पे पर्दे किए बंद, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ठंड लग रही है, और इसके बाल कटाए तो शायद उसको ठंड लगे। तो वो मैडम ने क्या किया, दुपट्टे के अंदर से निकल के थोड़ा सा बाहर हट के तकिए के नीचे सर करके फिर सोइए। तो अभी मैं जा रही हूँ फाइनली, जैसे मैं कब से बोल रही हूँ जाऊंगी जाऊंगी, तो अब मैं निकल रही हूँ बाहर। चलो थोड़ा सा मैं भी थोड़ा जा के, छोटी सी थैली है पर काम बहुत है इसके अंदर, सब काम पटा के फिर आती हूँ। और आराम से मैं जैसे कि बिग बॉस पूरा सीजन देखी और फाइनल नहीं देखी, क्योंकि फाइनल के दिन मैं थी शादी में, और शादी से आने के बाद फिर सुबह जाने की तैयारी थी तो वहां चली गई सूरत, तो इसीलिए मैंने बिग बॉस फाइनल नहीं देखे। हाँ ये उसका रिजल्ट मुझे पता है, मुनव्वर के सारे रील देखे मैंने, पर देखते हैं ना अभी टाइम पास, ऐसे भी क्या करूँ। तो आने के बाद थोड़ा सा देखूंगी बिग बॉस। और खाना तो बहुत अलग अलग तीन चार टाइप के खाने की सब क्या बोलते तैयारी है, तो आने के बाद सब। अभी फिलहाल तो जो काम है वो काम पटा के आती हूँ। यहाँ आती तो हमेशा एक बुलेट, एक अली की बाइक और एक मेरी एथर, और एक यहाँ पे मेरे एमजी रहती थी। तो एमजी मेरी जा चुकी है और बच्चों ने दोनों ने अपनी अपनी बाइक लेके बाहर गए। अब बची एक बेचारी मेरी अबला नारी एथर, तो इसको लेके मैं जा रही हूँ। हो गया सारा काम, बस अब जा रही हूँ घर और खड़ी हूँ यहाँ सिग्नल कब्रिस्तान के पास। यहाँ आती हूँ तो बस मेरी अम्मी की याद भी आती है, और मेरी अम्मी के लिए पढ़ के बस अम्मी के लिए दुआ भी मांग कर जाती हूँ। सामने ही एकदम, बताओ एकदम सामने भाई मेरे पास है ऑलरेडी, तू कहाँ मेरे पीछे पीछे आ रही है? ओ? अरे अरे रुक, मैं तेरे को खाना भिजवाती हूँ, रुक। क्या क्या लेके आया मेरे को पहले बताते जा, क्या क्या लेके आया? गांव से वापस अंडा लाए हो? अंडा लू मुंह को लाता हूँ, और फ्लेवर कौन से पूछ रहा हूँ? एक कीवी मिंट सर से, वो तो ला, वो मोगो मोगो में पाइनएप्पल एप्पल लीची। हाँ बेटा रुक लेती हूँ, ठीक है जल्दी आ, मैं तेरे लिए वो पनीर बना दूँ, पनीर और चिकन, जल्दी आ फिर अपन खाएंगे। रुक हाँ बेटा लेती हूँ अंडे, बता बड़े हैं पूरे ट्रेन ही, वो नहीं खाता अंडे, नहीं तो ले लेती थी ट्रेन। अंडा नहीं खाता बेटा, वो चिकन खाता है अभी, वो तो मैं ऐसे छे ले लू, ठीक है रुक लेती हूँ। सिर्फ छे एक दिन के छे ये मैंने बनाया है सेजवान चिकन एंड चिकन चिल्ली हो या फिर पनीर चिल्ली हो या फिर सेजवान पनीर, इसका कॉम्बिनेशन मिला के मैंने अपने घर पे बनाई, क्योंकि इसमें पनीर भी है, इसमें चिकन भी है, इसमें सब कलर की। सिर्फ ग्रीन चिल्ली में ग्रीन पेपर नहीं था मेरे पास, जैसे कि कैप्सिकम, तो वो रेड और येलो डाला है मैंने, बाकी सब ज़्यादा करके इसमें पड़ा है गार्लिक एंड जो हरा वाला प्याज होता है उसकी पत्ती और सेजवान, ज़्यादा ज़्यादा इस पर टेस्ट है सेजवान का। ये अभी मैं बनाई हूँ स्नैक्स के तौर पे, क्योंकि अमीन यही खाएगा, उसके साथ मैं भी खाऊंगी, और उसी के साथ साथ ही मैंने मंगाई हूँ मोगो मोगो, और घर में तो रेडबुल हमेशा ही रहता है, ये मैंने पी रही हूँ रेडबुल और बना रही हूँ ये ऑलमोस्ट मेरा बन चुका है। तो तू भाई गया ना मोगो मोगो लाने, कुछ शूट नहीं करना, मैं तेरे को शूट करूँ, टीवी चालू कर उधर,
तो तू क्यों जा रहा भाई गया तो? अमीन भाई नीचे खड़े हैं, किसी दोस्त से बात कर रहे थे। तो अभी मैंने उधर चिकन और पनीर दोनों गरम गरम बनाए यार, भूख लग रही है यार मेरे को। टीवी चालू करना बेटा, वही चालू। तू भी जा रहा भाई के साथ, जल्दी जाकर आ जा। रिमोट मोगो मोगो, अरे मेरा लड़का मोगो मोगो पार्सल में भेज दिया, बोला मेरे को जा लेकर आता। बता लो पे हो गया इसका? जी थैंक यू। हाँ ओके, इतना खराब है ना। रियान को बोला कि तू जल्दी आ नीचे, अपन जाएंगे मोगो मोगो लाने, और वहाँ पे जिप्टो से ऑर्डर भी कर दिया है। देखो वापिस ताटी खाएगा अभी मेरे से। ये पूरे हो गए सेट मोगो मोगो, और यहाँ पे चीज़ कितना बचा, एक ही तो मुझे खाना है। और चलो उसके साथ साथ मैंने निकाल लिया पनीर एंड चिकन, क्योंकि अमीन को आने में लगेगा टाइम, तो उसके बाद में मैं खाऊंगी इसके साथ एक चीज़। और यहाँ पे जैसे आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही आपको पता नहीं, बट मोगो मोगो ये सॉरी बिग बॉस तो लगा दिया मैंने, तो इसको खाते खाते ग्रैंड फिनाले, क्योंकि पूरा बिग बॉस सीजन में मैंने इतना अलग अलग टाइप का खाई हूँ, और आई थिंक मेरा वज़न काफ़ी बढ़ चुका है, और वज़न की वजह से काफ़ी मुझे प्रॉब्लम होने लगा है। तो अब लगता है ग्रैंड फिनाले के बाद वज़न घटाने की बारी। बिग बॉस देखते देखते मैंने चिकन खाई, थोड़ा सा खाई फिर रख दी, इतना ज़्यादा नहीं खाया गया। और पीनू म्याओ म्याओ करके आवाज़ दे रही है घर में, चिंटो इसको जेमी को ढूंढ रही है। तो प्यार का कोई रूप नहीं होती है यार, प्यार प्यार ही होता है, इंसान हो जानवर हो प्यार प्यार ही होता है। जैसे कि आज मैंने अपने व्लॉग में, जैसे पिछला लास्ट व्लॉग आप देख रहे होंगे, तो मैंने देखा उसमें अभी व्यूज़ को, तो कुछ बातें मैंने लास्ट में एंड में अपने दिल की जो थी वो खुलकर बोली। तो इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ी सी बातें ये व्लॉग में भी करूँगी, और अच्छा लगा मुझे कि दिल की बातें मैंने की, तो पता नहीं आपने मेरी बातों को पसंद किया, या मेरे पोती को देख के पसंद किया, या पता नहीं क्या देख के पसंद किया, लेकिन कुछ ना कुछ बातें हैं मेरे दिल के अंदर जो मैं सोचती हूँ कि मैं खुलकर करूँ। क्योंकि जिस चीज़ से कोई आपको आस नहीं होती है ना, लालच नहीं होता ना, तो वहाँ पे आप एकदम बिंदास तरीके से रहते हो। और मेरे व्यूज़ जब लाखों में थे तब भी मैं ऐसे ही रहती थी, और मेरे व्यूज़ अब कम हो गए तो भी मैं ऐसे ही रहती हूँ, बिकॉज मुझे इससे लालच नहीं है। मुझे लालच अपने काम से रहती है, मुझे लालच अपने बच्चों से रहती है, मुझे लालच मेरी फैमिली से रहती है, और सबसे बड़ी लालच होती है मेरे हस्बैंड से। तो कहीं रुकती है कहीं चलती है ज़िंदगी, पर ठीक है ना, चलते रहती है। तो मैं इंशाल्लाह ये व्लॉग में भी कुछ तो बातें करूंगी, और पता नहीं क्यों दिल को ये चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगा कि मैं इतनी बड़ी स्पीच करी लास्ट में और लोग उसे देख रहे, तो थैंक यू सो मच। तो इसी खुशी में मैंने अपने हाथ से बनाई हूँ हुक्का, और उसका फ्लो एक बार आप लोगों के साथ दिखाना चाहती हूँ कि क्या मैंने हुक्का बनाई हूँ। कहते हैं ना दिल की बातों से अगर कोई चीज़ आप करते हो ना तो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, तो मैं बहुत खुशी खुशी आज हुक्का बनाई हूँ, तो इसका इजाफा आप देखोगे। इसका फ्लो देख रहे हो आप, तो बहुत दिल से और बहुत खुशी खुशी मैंने अपने हाथ से हुक्का बनाई हूँ। मैं हूँ, मेरी पीनू है, और बिग बॉस है, और इस वक्त हम तीन हैं, बच्चे नीचे हैं, आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप सबका शुक्रिया, जो भी आपने पसंद किया जो भी आपने देखा, पर मुझे कहीं ना कहीं दिल को बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। तो वो जैसे कि बहुत काम करके थक गया है ना बच्चा मेरा, आवाज से उड़ गई। सो जा, मैं भी सोई हूँ। डेढ़ बज गया, अभी तक मैंने ना चाय पियो ना नाश्ता करियो, और उठने के साथ ये मैंने कल इसको बोल दी थी कि कल मैं तेरे को मेरे पसंद के कपड़े दूंगी, तो वो चालू हो गया। मम्मा हाँ अच्छे तो लगे वो शूज, मैंने जो बताई ना बेटा पूरा शूज, हाँ वो शूज पे बहुत मस्त लगेंगे, और तेरा हेलमेट शायद अंदर रखा हुआ है। दोपहर के बजे 2, और 2 बजे होता है सबका लंच टाइम, और कहीं कहीं तो लंच खत्म भी हो जाता है 2 बजे। और यहाँ पे अभी बनाई हूँ मैंने अपने लिए चाय, और अली इडली वड़ा सब लेकर आया, तो मेरे को बोला क्या खाओगे मम्मा कितना खाओगे, तो मैंने बोला भाई थोड़ा रख दे, क्योंकि आज मैंने अमीन से टिप ली हूँ,
और बोला था दूंगा, लेकिन ये बोला कि खाना छोड़ दो। फिर थोड़ा थोड़ा अब खाने लग गई थी, तो मेरा मुझे ऐसा लगता है वेट मेरा काफ़ी बढ़ रहा है और उसके वजह से तकलीफ बहुत हो रही है। तो बेटर है तकलीफ से कि वेट को कम कर लिया जाए। तो अमीन भाई से मैंने टिप मांगी थी, अमीन भाई ने सिर्फ इतना बोला था खाना छोड़ दो, टिप कुछ दिया नहीं। तो भी फिर अली मेरा इतना प्यार से मेरे लिए वड़ा और ये सब लेकर आता है इडली, तो मैंने इडली रखी है। आई थिंक मुझे लगता है कि अब दोपहर का लंच में मैं इडली ही खाऊंगी, पर दिल है कि मानता नहीं। तो एक वड़ा लिया मैंने और एक कप चाय। क्या मस्त हवा चल रही फुल, और ये मैं लाई थी सूरत से हर भरा। तो ये थोड़ा सा थैली में निकालने के लिए लेट हुआ, तो थोड़ा सा अंदर जैसे पसीना छूट जाता है या फिर थोड़ा सा चिकट होता ना, उस टाइप का हो गया। तो अभी मैंने इसको रख दिया हवा में, एक्चुअली कल शाम से ही रखी हूँ, तो अच्छा खासा हो गया। अभी ऊपर नीचे करना है खाली, और काम तो घर का ऑलमोस्ट होने को आया। और ये थोड़ा सा इस पर डिफरेंट हो गया था कपड़ों के, क्या हुआ था मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये दुपट्टा है ये ड्रेस का, तो ये सलवार है ये ड्रेस की, तो ये दुपट्टा ये ड्रेस का है। तो ये वाला जो गुमटा था वो ये दुपट्टे में लग गया था। मेरे टेलर को लगा कि ये दुपट्टा इसका है, लेकिन ये दुपट्टा ये ड्रेस का है। और पाकिस्तानी ड्रेस में आप लोगों को पता है कि बहुत अलग अलग तरीके से वो लोग डिज़ाइन करते हैं कपड़ों को। तो फिर कल चेंज करवा के फिर मैंने ये जो लटकन है सब इसके, ये लटकन इसमें लगवा के लाए, तो ये हो गया परफेक्ट दुपट्टा। और ये वाला ड्रेस को फिर मैंने ये वाले लटकन लिए, ये वाले लटकन लगाए। उसी के साथ साथ कमीज़ में भी मैंने थोड़ा सा एक पैटर्न दिया लटकन का, ताकि वो अच्छा लगे। तब सोच रही हूँ ये ड्रेस ही पहनूँ या फिर क्या पहनूँ, क्योंकि बहुत सारे ड्रेस मेरे नए वाले रखे सड़ तो नहीं रहे, लालच दिखा रहे। अभी हो गया सारा घर का काम। और जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह मैंने चाय के साथ एक मेंदू वड़ा ली थी, और वैसे तो खाना बहुत सारा है, मटन भी है और पाया सूप भी है, चिकन भी है, बट मुझे अभी नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा सा अवॉइड करूँ, क्योंकि अभी इन दिनों ना थोड़ा बहुत ज़्यादा चटपटा खाने लग गई थी मैं। तो इसीलिए मैंने जो सुबह नाश्ते की दो इडली रखी थी तो इसको निकाली, इडली सांभर एंड चटनी। तो इतना सारा निकाली हूँ, पर कोशिश करूँगी कि एक इडली और थोड़ा सूप मतलब सांभर थोड़ा ज़्यादा पी लूँ, ताकि पेट भर जाए। और वहाँ पर अब लगाऊँगी पानी, और इंशाल्लाह मेरा हमेशा काम रहता था दोपहर में चली जाती हूँ, या तो फिर ऐसा कुछ मेरा टेलर का काम है या फिर यहीं पे एरिया में काम है, तो वो असर पड़ के सोचती फिर निकलूँ। तो अभी तो कुछ इतना पक्का नहीं है कि असर पड़ के निकलूँ या असर के पहले निकलूँ, क्योंकि कितना बजा है, आई थिंक 3:30 बजा है। तो चलो फिर देख लेते, पानी वानी नहा लगा देती हूँ, थोड़ा खाना खा लेती हूँ, और उसके बाद में फिर एक दो जगह जाना है, असर के बाद हो या असर के पहले जाना ज़रूर है। गई थी एक काम से और आ गई, माशाल्लाह ठंडी तो बहुत, मेरा काम बोल रही है। और उसी के बीच में एक फ़ोन आया अर्जेंट, और मेरी गाड़ी में इतनी चार्जिंग भी नहीं थी कि मैं गाड़ी लेकर जाऊँ, पर क्या करूँ, मेरे को एथर ही पसंद है और दूसरी बाइक तो बच्चे ले गए। तो अब लगाई बाइक को चार्जिंग में, फटफट जाके चेंज करती हूँ, चेंज करके काम के लिए जो मुझे फ़ोन आया इंशाल्लाह वहाँ जाती हूँ, क्योंकि काम है तो हम हैं, काम है तो हमारी पहचान है, काम है तो हमारे पास रोटी है, काम है तो हमारे रिश्ते हैं, काम है तो हम हैं। बस चेंज करना था, तुरंत ही भागना था, ना तो कोई मेकअप करना था, ना तो कोई उसके मैचिंग के चप्पल, ना तो मैचिंग की पर्स, ना तो मैचिंग के जेवर, क्योंकि इतना अर्जेंट फ़ोन आया है। और मैंने जैसे आपको बताया काम है तो हम हैं, तो बस वो मैं बोली आकर शाम को फिर मुझे जाना है, तो फिर सब मैचिंग के कपड़े पहनूंगी, मैचिंग के सब चीज़ें जेवर निकालूंगी। तो फिर मैंने बोला चलो निकल दी, तो उतने में जैसे कपड़े चेंज, सिर्फ कपड़े चेंज करियो और निकलने के लिए कदम बाहर बढ़ा रही थी, तो असर की आवाज़ आ गई मुझे अजान की। तो मैंने कहा ना कि मैं 2024 में कुछ चीज़ें बहुत कम अपनी ज़िंदगी में गांठ बांधी हूँ, तो उसमें से ये चीज़ें कि हो सके उतनी कोशिश करूंगी कि मेरी नमाजें नहीं छूटे। और ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरी पांचों वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। शर्क ली थी, लेकिन अब वो भी बाइक पे बैठ दो, शौक कहीं अटक नहीं जाए। मेरा बेटे ने वैसे निकल रही थी फटफट, तो मेरा बेटा बोलता ऐसा नहीं अच्छा लगता, रुको रुको, ला के मैचिंग के शूज दिया और मैंने लिपस्टिक लगाई, देखो बाल में कंघी भी नहीं करी, ऐसी भाग रही हूँ। तो बोलता साइड पर्स लगाओ और फटफट निकलो, चाबी देना बेटा, हाँ वो दे,
आती हूँ, सब बंद कर देती हूँ। हाँ और चल बाय, अल्लाह हाफिज, आती हूँ फटफट। हाँ अब भी आया, उसकी हालत, उसकी थोड़ी बुखार चढ़ी हुई, उसकी तबीयत ठीक नहीं। बिस्मिल्लाह। अब वो मैं आके भून के देती हूँ, भूनने का, भून के खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है वो। देख टेबल पे रखा रजनीगंधा, दे तो जरा, वो जरूरी है। जा तू फ्रेश हो जा थोड़ा, ठीक है। चलिए माशाल्लाह, जो काम से भागते दौड़ते हुए आई वो काम भी हो गया, और वहीं पे पार्लर था तो मैंने थोड़ा सा अपने बालों की, जैसे कि थोड़ा सा आयरनिंग करवाई, क्योंकि मुझे शाम को कहीं फंक्शन में जाना है, एक घर के प्रोग्राम में, थोड़ा सा तैयार भी होना, टाइम पर बहुत कट टू कट चल रहा है, तो मैंने बोला अब घर जाके कहाँ ये सब चीज़ करते बैठूँ। और जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताई थी कि मैं पुरानी बातों को लेके थोड़ी बहुत बातें करूँगी इंशाल्लाह। कल जैसे मैंने एंड में काफ़ी लंबा स्पीच करी थी, और मैंने पता ही ना कि मुझे नहीं पता आप वो पसंद करे या मेरी पोती को देख के पसंद करे, पता नहीं, अब वो आपकी बातें हैं वो आप जाने, लेकिन आप लोगों ने पसंद तो मुझे किया था, और आप लोगों की ज़रा नवाजी के लोग दुनिया भर में मेरा नाम हुआ, और एक मेरा जो चेहरा वो पहचाना गया। हालांकि वो मेरी अपनी पसंद, जैसे मेरा अपने कपड़े पहनने का स्टाइल आपको पसंद आता था, मेरा खाना बनाने का स्टाइल पसंद आता था, मैं अयूब के साथ बिंदास रहती थी वो पसंद आता था, और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से बातें की, तोहमतें लगाई, लेकिन आप लोगों ने कभी उस बातों को ना तो तवज्जो दिया, ना तो उसको हावी होने दिए। हाँ ये है कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर करके लाखों में पहुंचा दिया, तो मैंने कभी ऐसा मुझे फील ही नहीं हुआ यार कि व्यूज आने चाहिए, या फिर ये सब चीज़ों को लेके बहुत बड़ा कुछ तामझाम होता है। मैं बस वीडियो बनाती थी, अपने दिल की बातें करती थी, अपनी ज़िंदगी आप लोगों के साथ शेयर करती थी, लेकिन जो प्रॉब्लम मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ नहीं करते हुए मेरे बच्चे को ये चीज़ों का इल्ज़ाम उसके सर पर आया है, तो ये चीज़ मुझे बहुत हिला के रख दी। और जैसे कि मेरे और अयूब के ऊपर भी पहले केस बना, तो मैंने बोला ठीक है ना, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि तू क्यों नहीं जवाब देती, क्यों कार्रवाई नहीं करती, मैंने बोला ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और सच्चाई है नहीं, तो मैं क्या करूं, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती क्या चीज़ें पे लोग मुझे ये चीज़ें करते हैं, या मेरे पर ट्रोल करते हैं, या मेरे पर कुछ ऐसी बैड कमेंट लिखते हैं। अभी ज़्यादा हुआ, तो मैंने कभी तवज्जो नहीं दी, और इंशाल्लाह कभी दूंगी भी नहीं। लेकिन कहा ना कि जैसे मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो मैं सोचती हूँ कि थोड़ी बहुत करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि बैड कमेंट, बैड लोगों के, जो एक दौर आया था जब दुनिया बोलती थी फर्क नहीं पड़ा, जब अयूब ने बोले तो एक बवाल सा मच गया था यूट्यूब पर मैं उसको भी किस तरीके से हैंडल करी हूँ, और मुझे सपोर्ट मेरे बच्चों ने किया तो मैं जानती हूँ, तो मैंने उसको भी तभी इग्नोर किया, मैंने बोला कि मैं क्या हूँ वो मैं जानती हूँ, बोलने दो। लेकिन मैंने अल्लाह से उस चीज़ की फरियाद की थी कि मैं ये चीज़ों में हूँ नहीं, और ये चीज़ें जो लगी है अल्लाह उसका जवाब तू देना, तो अल्लाह ने बहुत अच्छे से जवाब दिया मुझे, तो मेरी ज़िंदगी में ठंडा कि मेरा काम आज भी वही है, मेरे बच्चे आज भी मेरे पास है, मेरी जो मेरी फैमिली को मैं एक्सपेक्ट भी मतलब उम्मीद भी नहीं कर सकती थी, वो फैमिली भी अल्लाह ने मुझे मिलाए, उनके बीच में मुझे बिठाए, प्यार दिया, इज्जत दिया, और उसका क्रेडिट ऑफकोर्स अयूब को जाता है। लेकिन जिस चीज़ की बात अयूब ने की थी वो बहुत मलाल थी, लेकिन उसका भी ठंडक मुझे कैसे मिली, पर्सनली अयूब ने तो सॉरी बोला ही बोला, लेकिन जब वो उमरा करने गया था, उमरा जाने के बाद उसने यूट्यूब पे बाकायदा एक वीडियो बना के शेयर किया, मेरे और मेरे बच्चों से माफ़ी मांगी, तो वो कुछ छोटा नहीं हो गया, कहीं ना कहीं उसको गिल्ट फील हुआ कि ठीक है मैं अपने गुस्से के आलम में, गुस्से में ये चीज़ें मुझसे हो गई, लेकिन नहीं होनी चाहिए थी। तो मैंने जब अल्लाह पे भरोसा किया तो अल्लाह धीरे धीरे हर चीज़ हर रास्ता क्लियर करेंगे, तो इसीलिए मैं कभी कोई हेटर्स को जवाब नहीं देती हूँ, कभी कोई लोगों का कमेंट का गंदा जवाब नहीं देती हूँ। हालांकि ज़बान मेरे में भी है, अकेले मादा पे मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया, अकेले मादा पे दुनिया में अपनी पहचान बनाई, अपना काम में अपनी पहचान बनाई, और मेरे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह जो दौलत है जो भी है अपने बलबूते पे बनाई हूँ, तो आता तो सब कुछ है मुझे, लेकिन जब मैंने अल्लाह से ठंडक मांगी ना तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो अल्लाह ने ठंडक तो दी, पर उसके ऊपर मक्कम रहना वो आपका काम है, तभी तो आपके पास वो टिकेगी। अल्लाह तो दे देते पर टिकाना आपका काम होता है,
तो इसी वजह से ना मैं जवाब देती। हाँ, कहीं ना कहीं मैं लॉकडाउन में जब लोगों को हेल्प करी थी तो मैंने कभी किसी को जाके ही नहीं बोला कि मैं आ रही हूँ, आप लोग आइए, मैं मदद, मैं खुद जाती थी, मैं खुद देखती थी अपनी आंखों से। और मुझे लगता था कि इस घर में 10 मेंबर हैं तो 10 मेरी इतनी कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं है कि मेरे पास इतने बहुत ज़्यादा वर्कर नहीं है कि मैं बांटूँ। पर यह था कि दिल में यह था कि मैं किसी को हेल्प करूँ, और वो दौर ऐसा था कि मुझे डर लगता था कि क्या पता हम भी इसमें जिए कि नहीं जिए। पर वो चीज़ कहीं ना कहीं लोगों ने समझा कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ, बहुत ज़्यादा ये करती हूँ। नहीं, क्योंकि मेरी हैसियत से बढ़ के मैं काम नहीं करती हूँ, मेरी हैसियत से बढ़कर मैं बात नहीं करती हूँ। तो पता नहीं लोगों को जब भी मुझे मिलते थे, मैंने देखा एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते, अच्छे खासे रेस्टोरेंट में खाना खाने आते, और मुझे देख के बस एक हम आपके फ़ैन हैं, हम आपको फॉलो करते, फिर उसके बाद एक लाइन होती है कि हमें ये चीज़ के लिए हेल्प चाहिए। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। क्या पता लोगों को शायद वो ना पसंद आए, जो पर्सनली जिन लोगों ने मुझसे मिले व्यूज उससे कम हुए, या फिर लोगों ने बहुत सारी बातें करी लेकिन साबित कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि मैं गंदा काम करती हूँ, मैं लड़कियों का काम करती हूँ, मैं नशे का काम करती हूँ, मैं अपने आप को गंदा काम दिखाती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, लेकिन साबित किसी ने नहीं किया। बोला सब कुछ सब लोगों ने, मैंने किसी का जवाब नहीं दी। तो आप बताना ये मेरी गलती थी या इग्नोर करना मेरा अच्छी सोच थी। मैं सोचती हूँ कि वो अच्छी सोच थी। तो बस थोड़ी थोड़ी बातें करूंगी, लेकिन अभी भी मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि मैं किसी के लेने देने में नहीं हूँ। एक सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी लोगों से एक चेन जुड़ी थी, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं जो चीज़ हैंडल नहीं कर सकती तो मैं उससे किनारा कर लेती हूँ। तो बस यही थी मेरी बातें कि मैंने किनारा किया तो उसमें बहुत सारी तोहमतें लगी, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों को मैं कल पसंद थी और आज पसंद हूँ तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा काम पसंद है, जैसे मेरी कुकिंग पसंद करते हो, मेरा रहना सहना पसंद करते हो, मेरी बड़ी उम्र में एक बिंदास जो मैं जीती हूँ वो पसंद करते हो, तो उससे मुझे जज करो, ना कि लोगों की बातों से, ना कि फैमिली की बातों से। अगर मेरी फैमिली दिखाती हूँ तो मैं उनके साथ हूँ, नहीं दिखाती हूँ मैं उनके साथ नहीं। घर में चार बर्तन है ना तो आवाज़ ज़रूर आएगी, लेकिन जो समझदार होगा वो आवाज़ को कभी बाहर जाने नहीं देगा। तो अय्यूब ने गलती की, उनको वो चीज़ का एहसास हुआ, उन्होंने मुझे माफ़ी मांगी, ठीक है, ख़त्म हो गई बात। इसीलिए मैं अपनी लाइफ, डेली व्लॉग का मतलब होता है मेरी लाइफ, तो मैं अपनी लाइफ को आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर इसमें आपको अच्छा लगता है तो बस वही, जैसा आपने पहले लाइक प्यार पसंद किया था, तो बस दिल से कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी, अपनी बातें, अपना स्टाइल, वही चीज़ें आपके साथ रखूं। अगर अच्छा लगे तो पसंद करना, नहीं अच्छा लगे आई डोंट माइंड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक दुनिया में एक पहचान है, एक सायरा सत्तानी नाम है, एक चेहरा है, अल्लाह का बहुत एहसान है। और कुछ अच्छा लगेगा मेरी लाइफ, जो बीती हुई लाइफ की बातें, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी के लिए तो अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए। अब जा रही हूँ घर, और नेक्स्ट ब्लॉग में देखना ज़रूर कि मैं ये सब चीज़ें कराई हूँ तो मैं क्या पहनने वाली हूँ और क्या कहाँ जाने वाली हूँ और कौन सी अच्छी रील बनाने वाली हूँ। अल्लाह हाफिज़।